यूपी में अपराध की दुनिया में करीब 3 दशक तक अपना सिक्का जमा कर रखने वाले माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 5 मामलों में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, जिसमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 मामला चंदौली का है। साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के करीबी भीम सिंह को भी गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने में और 1996 में गाजीपुर के सदर कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। माफिया मुख्तार अंसारी को जिन मामलों में सजा सुनाई गई है, उसमें वाराणसी में राजेंद्र सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड के साथ ही जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई गई। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। माफिया मुख्तार अंसारी फिलहाल ईडी की कस्टडी में प्रयागराज में हैं और गैंगस्टर के अन्य एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल सुनवाई होने वाली है और ऐसे में आज ये जो बड़ा झटका मुख्तार अंसारी को लगा है, जिसमें 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, जहां कई मामलों में मुख्तार अंसारी पर अभी भी केस चल रहे हैं। ये गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 केसेस थे जिन पर सुनवाई चली लंबे समय तक और आज इस पर फैसला आ चुका है। सबसे पहले सुबह दोष सिद्धि हुई और उसके बाद सजा का ऐलान हुआ, जिसमें 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को और मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ी खबर, जहां अब और भी कई मामले हैं जिनमें लगातार मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जहां मुख्तार अंसारी पर अब ये बड़ी गाजगिरी है, कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी है। गैंगस्टर का आधार इसीलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे, 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के को भी आपने सुना, जहां अपराध की दुनिया में एक समय पर मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब एक के बाद एक सख्त कार्रवाइयां, लगातार न्यायिक कार्रवाई का सामना मुख्तार अंसारी कर रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुख्तार। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया जाएगा मुख्तार अंसारी के द्वारा, जहां 10 दिनों में दाखिल हो सकती है मुख्तार अंसारी की अपील। 5 में से 4 मुकदमों में बरी होने के आधार पर अपील की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां 5 ये केसेस थे गैंगस्टर एक्ट के तहत, जिसमें सुनवाई चली और आज सजा हुई है, अब इसमें आगे अपील की जाएगी। मुख्तार अंसारी के वकील और परिवार के लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, उसमें ये जानकारी मिली है कि आगे इस मामले में अपील की जाएगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में अब चुनौती दी जाएगी। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेगा मुख्तार अंसारी, जहां 10 दिनों के भीतर ही मुख्तार अंसारी की तरफ से ये अपील दाखिल की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी आज की सजा पर ये बड़ा अपडेट है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।